गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। आपने एक्सरसाइज 9.1 डाटा हैंडलिंग की थी, तो मैं आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो 9.1 का क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए कैसे करें। सिक्स क्लास का मैथ्स का है, टॉपिक है एक्सरसाइज 9.1 डाटा हैंडलिंग। आप घर पर बैठ के भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, डाटा हैंडलिंग की। अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें क्या दिया है? सब बच्चे अपने अपनी बुक खोलेंगे, ओपन योर बुक एंड रीड इट केयरफुली। आपके सामने दिया है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन द डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक शोन बिलो। एक बल्ब किसके बराबर माना गया? दो बल्ब के बराबर माना गया। तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो ये आपके डेज है नंबर ऑफ बल्ब्स। तो हम यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे पहले। यहाँ डेज हैं आपके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वन बल्ब किसके बराबर है? टू के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो टेबल है आपने खुद बनानी है। डेज है आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप बल्ब बनाइए। बल्ब की सिचुएशन मैं आपकी ऐसे कर रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। आप खुद बना सकते हैं ऐसे, आप खुद बनाएंगे इसके बल्ब को। अगले में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार आपने इसको ड्रॉ कर सकते हैं या इसकी फोटो स्टेट करवा कर पेस्ट कर सकते हैं। 4, 4 देखते जाएंगे आप साथ साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है इसमें, यहाँ पे है 3, 3, 6, 8 है, यहाँ पे है 4। अब थर्सडे में कितना है? 5। थर्सडे में कितने हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। फ्राइडे में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे थे 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सैटरडे में है 4। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट है हमारा संडे। क्या है हमारा संडे? देखिए बेटा, इसमें कितने संडे में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या बोला है कि एक जो बल्ब है वो कितने के बराबर है? 2 के बराबर। वन बल्ब किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो हम इसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। देखिए कैसे कर लेंगे। 6 2 12 8 2 16 4 2 5 2 10 7 2 14 4 2 8 9 2 18। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर होता है। तो वन बल्ब 2 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, हमने कर लिया। ये हमारी टेबल बन गई है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस, यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा किया। वन बल्ब किसके बराबर है? 2 के बराबर, हमने कर लिया। अब है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको आंसर्स देंगे, सबसे अच्छे ध्यान देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
हम साइड में क्वेश्चन लिखेंगे फिर इसके आंसर्स लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे, नंबर ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर वन है नंबर ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने बर्ड्स सोल्ड किए थे, फ्राइडे कितने आ गए 14। क्या आगे 14। ओके स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर टू, कहते हैं मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बर्ड्स वर सोल्ड। मैक्सिमम होता है ज्यादा, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन कब बेचे गए, सबसे ज्यादा कितने हैं 12, 16, 8, 10, 12, 14, 8, 18। तो कौन है संडे, कब बेचे गए संडे को। अंडरलाइन कर रही हूँ आंसर्स को मैं। अब है थर्ड क्वेश्चन, सेम नंबर ऑफ बर्ड्स वर सोल्ड ऑन, सेम नंबर ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन। सेम नंबर्स कौन कौन से आ गए 12, 16, 8, 10, 14, 8, 8 और 8, ये सेम नंबर आ गए। कब कब गए, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो सेम नंबर ऑफ बर्ड्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे हमने आंसर देने हैं। आप कहते हैं मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बर्ड्स सोल्ड ऑन, सबसे कम बल्ब कब कब सोल्ड किए गए हैं, ये देखिए 12, 16, 8, 10, 14, 8, 10, दोनों ही हैं 8, 8, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे। इजी है ना क्वेश्चन, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपने इसको आंसर्स में देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कार्टून्स वर सोल्ड ऑन, इफ वन बिग बॉस कार्टून कैन होल्ड 9 बर्ड्स देन हाउ मेनी कार्टून्स विल रिक्वायर दिस वीक। कहते इफ वन बिग, क्वेश्चन है इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बर्ड्स, अगर एक कार्टून में 9 बर्ड्स आते हैं तो हाउ मेनी कार्टून्स विल बी रिक्वायर्ड दिस वीक। तो इसके लिए कितने हमें चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, तो हाउ मेनी कार्टून्स रिक्वायर्ड, हाउ मेनी कार्टून्स रिक्वायर्ड दिस वीक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन बॉक्स में करते हैं 9 बल्ब होते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड कार्टून 1 बल्ब, रिक्वायर्ड कार्टून फॉर 1 बल्ब 1/9, तो रिक्वायर्ड कार्टून फॉर 86 बल्ब, तो 1/9 × 86 करिए इसको, 86/9 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 9, 5/9 यानी कि 10 कार्टून्स, दिस इज आवर आंसर। देखिए सब बच्चे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये हमारे 86 कैसे आया, हमने सारे के सारे को टोटल कर लिया है। सब बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सब बच्चे पहले बुक से इसको इजीली उतारेंगे और इसे करेंगे, 2 मिनट्स है आपके पास, जल्दी करें, डू फास्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 और 8
सब अच्छे ध्यान से करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट बास्केट इन ए पर्टिकुलर सीजन। नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स हैं, नंबर ऑफ बास्केट्स हैं। तो एक बास्केट किसके बराबर मानेंगे 100 के, आप अपनी बुक से देख के करेंगे। मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखवाऊंगी बेटा, ये बाकी का बाकी जो ड्रॉ करने का काम है आप खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ABC पार्ट के आंसर्स हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। सब बच्चे देखेंगे 7 के आंसर्स, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। स्टूडेंट्स तो क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हैं, सब बच्चे ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके सामने है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने ऐसे ड्रॉ करने हैं इसकी पिक्चर को, और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स लिखेंगे। हम क्वेश्चन भी लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज आप इसको ये जो पिक है या फोटो है उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या फोटो स्टेट करा के चिपका सकते हैं। सॉरी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो फ्रूट बास्केट का आपने सारा ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर लिखेंगे अब इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच मर्चेंट सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट, सबसे ज्यादा किसने बेची। तो सबसे ज्यादा आपकी बुक में है, देखिए सारा ड्रॉ कर रहे हैं। तो मार्टिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है और आधी है तो 950 हो गया, क्योंकि 100 के बराबर थी तो 950 मार्टिन। तो पहले का क्वेश्चन आप बुक से लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे मार्टिन, आंसर इज मार्टिन। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट डिड अनवर सेल, अनवर ने कितना बेचा। तो अनवर वाली लाइन में जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई 700, तो आंसर कितना आ गया 700। कैसे आया, 100 × 7 किया 700। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कि किस किसने सबसे ज्यादा 600 करोड़ से ज्यादा बास्केट्स को बेचा है। तो देखिए 600 किस किस के बीच में आ रहा है, अनवर का आ रहा है 700, मार्टिन का 950 आ रहा था, एंड रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके भी 800, और बाकी हमारे 600 से कम आ रहे हैं। तो किस किस के नाम आ गए आंसर में, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह, एंड रंजीत सिंह, इन्होंने 600 से ज्यादा बेचे फ्रूट बास्केट से लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ABC पार्ट था। तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे, राइट केयरफुली इन योर नोटबुक। तो आपने इसी प्रकार इसको पेस्ट भी करना है अपनी कॉपी में। तो अब है आपकी नई एक्सरसाइज 9.2। कहते टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन विलेज एज द शो। इन्होंने विलेज ABCD में दिया है, विलेज ए में कितना दिया है 80, बी में 120, सी में 90, डी में 40, ई में 60। कहते प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स यूजिंग द सिंबल, सिंबल दिया है हमें, एक ऐसे पिक्टोग्राफ बनाना है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एनिमल उसने कहा है 10 के बराबर है, एक एनिमल किसके बराबर है 10 के बराबर है, तो पिक्टोग्राफ बन जाएगा। सेकेंड है इसका ये क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हैं,
हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, ठीक है। बी सेकंड क्वेश्चन है विच विलेज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द एनिमल्स, ओके। थर्ड है विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, मोर एनिमल्स विलेज ए और सी, तो बिल्कुल ठीक है। तो 9.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको अपनी पहले टेबल बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखने हैं। सब बच्चे ध्यान से करेंगे इसको। 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, पिक्टोग्राफ बनाएंगे यूजिंग द सिंबल। उसने एक सिंबल दिया हमारे को, डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड है आपका ये। क्वेश्चन 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप उतारेंगे ऐसे, पहले हमें क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, पिक्टोग्राफ। सॉल्यूशन है इसका पहला, आप ऐसे टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, और एक जो साइन है ऐसा, वो कितने के बराबर है, 10 एनिमल्स के बराबर है। एक जानवर कितने के बराबर है, 10 के। रिक्वायरमेंट देखिए इसकी, यहाँ लिखेंगे विलेज, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई। ओके स्टूडेंट्स, आप बनाइए इसको, ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने विलेज को अलग से कर दिया। आप बताइए ए में कितने थे, 80, तो कितने साइन होंगे, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 थे, 10 8 80। अगला था हमारा बी में 120, तो कितने लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 12। अगले थे 90, तो कितने होंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका साइन ऐसे लगाना, क्रॉस करेंगे हम इसको, क्योंकि एक एनिमल 10 के बराबर है। अगला क्या है हमारा डी, 40, 1, 2, 3, 4, करिए इसको क्रॉस का निशान, ये साइन तो हमने ऐसे ही बनाना है ना। अब लास्ट से 60, तो कितने आगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा क्या बन गया, पिक्टोग्राफ। क्या बन गया है, पिक्टोग्राफ। अब है इसके क्वेश्चन आंसर है ए बी सी, तो इसके क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए लिखेंगे आंसर, बी का क्वेश्चन लिखेंगे देन आंसर, और सी का क्वेश्चन लिखेंगे देन आंसर। तो 6 सिंबल्स प्रेजेंट द एनिमल्स ऑफ विलेज ई, तो कहता है विलेज ई में कितने सिंबल्स हैं, 6 सिंबल्स, कितना आंसर आ जाएगा, 6 सिंबल्स। अगला क्वेश्चन है विलेज बी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे ज्यादा किसमें एनिमल्स हैं, बी में, तो विलेज बी। लास्ट है क्वेश्चन विलेज ए, और इसे क्वेश्चन दिया था विलेज ए और सी में किसमें ज्यादा एनिमल्स हैं, ए में कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सी में कितना है, 9, तो ज्यादा है किसमें है, ए या सी में, सी में। ए एंड सी का पूछा है इन्होंने हमसे, तो ए और सी में किसका ज्यादा है, सी का, तो विलेज सी। ओके स्टूडेंट, सब अच्छे ध्यान से करेंगे, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आपने क्वेश्चंस भी ध्यान से लिखने हैं और आंसर्स भी ध्यान से लिखने हैं।
तो आपने क्वेश्चन लिखना था ए का बुक में से के हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, तो ई में कितने सिंबल्स हैं, सिक्स कितने हैं सिक्स। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है विच विलेज हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स, सबसे ज्यादा किसमें थे, विलेज बी में, बिल्कुल ठीक है। और कहते हैं ए और सी में एनिमल्स जो थे वो ज्यादा किसमें, ए में या सी में, हमने काउंट करा पहले ए में एट थे सी में नाइन थे, तो नाइन में आंसर ज्यादा है तो विलेज सी। तो आपने सिंपल वे में ही आंसर देने, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन वन हो जाता है। ऐसे ही टू है, ऐसे ही आपके इसी में दो क्वेश्चन ही हैं, आप दूसरा क्वेश्चन भी हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, आपके सामने टेबल दी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल है 1996 में 400 है, 1998 में 535 है, 2000 में 472 है, 2002 में 600 है, 2004 में 623 है। तो कहते हैं इसका एक पिक्टोग्राफ बना लेंगे हम अच्छे से, साइन दिए हुए हैं इसके, और विच रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स, जो एक है वो कितने के बराबर दिया, 100 स्टूडेंट्स के बराबर दिया है। तो क्वेश्चन इसके बनते हैं हाउ मेनी सिंबल्स आर रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2002, और हाउ मेनी सिंबल्स आर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1998। फिर इसका बी पार्ट भी दिया है, उसमें भी हमारे को पिक्टोग्राफ की जरूरत है। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी सिंबल्स ईच प्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स, कितने का दिया है इन्होंने, 50 स्टूडेंट्स का। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हम करेंगे बाद में, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाने आप साइन कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो इन्होंने बुक में दिया है या कैसे भी। तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए इसका, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है इसका हमारा, ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले हमारा पिक्टोग्राफ बनाना है, क्वेश्चन नंबर टू आप पहले बुक से अच्छे से उतार लेंगे, इसका पिक्टोग्राफ बनाएंगे। ए ईयर दिए हैं आपके सामने और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका बनाइए। और एक जो बच्चा दिया है वो कितनों के बराबर दिया है, देखिए एक दो तीन चार, ये एक जो स्टूडेंट है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए चलिए ईयर्स है 1996, 1998, 2000, 2002 एंड 2004 बनाइए इसके। पहले में कितने हैं, 400 तो ये ऐसे पूरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4 पूरा आ गया हमारा इसमें। अच्छा 1998 में 535 1, 2, 3, 4, 5 अब 35 का क्या हिसाब है, सिर्फ उसका आधा हिस्सा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हाफ बन गया 35%। अब 2000 में कितने थे हमारे, 2472 तो 4 बनाएंगे पहले हम 1, 2, 3 एंड 4 इसका भी आधा हिस्सा ही बनेगा क्योंकि उसका हाफ है। अब 2002 में कितने थे, 2002 में 600 तो कितने बनेंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओके स्टूडेंट। और 2004 में कितने थे, 623 तो 6 तो पहले पूरे बन जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको क्या बन जाएगा, हाँ
तो ये पहला पिक्टोग्राफ था, इसके ऑप्शन क्वेश्चंस के आंसर हैं, नीचे लिख लेते हैं। एक का आंसर क्या आएगा, कहते हैं सिक्स सिंबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002, तो 2002 में कितने थे, सिक्स, सिक्स सिंबल्स थे। और बी का इसका क्या आंसर है, कहते हैं सिंबल प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1998 में कितने थे, फाइव, साढ़े पाँच, फाइव एंड ए हाफ सिंबल। एक हमारा पांच का पूरा था, देखिए 1 2 3 4 5 और आधा था। तो अब है इसका सेकंड बी पार्ट करेंगे रिक्वायरमेंट में, इसके अनदर पिक्टोग्राफ बनाएंगे हम। ईयर दिया है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, इसका बी पार्ट का है आंसर 1996, 1998, 2000 एंड 2002 एंड 2004। बढ़ाइए इसके, जो वन साइन है इसका वो 50 स्टूडेंट्स के बराबर है। वन साइन कितने का है, 50 स्टूडेंट्स का। बढ़ाइए अब, तो पहले में कितना आ जाएगा, 400 है, 5 8 40, 8 बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस का निशान लगाएंगे बीच में, 5 8 40 होता है। दूसरा 1998 में कितना था, 535, तो 500 200 300 400 500। कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक उसका आधा बनेगा क्योंकि इन्होंने कितना बताया है, 35 का। एक और बनाएंगे हम उसका, 2000 में कितना बनेगा, 2000 में 472, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 40, तो इन्होंने कितना बोला है उसके आगे, 72, तो उसका भी एक हिस्सा और बन जाएगा। जो हाफ रहता है बेटा, अगर पूरा हिस्सा है उससे अलग जो भी है उसमें पूरा बनाना आपने। 600 में 1 2 3 4 5 6, 6 बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 100 100 100 100 करके कितनी बार आजगा, 6 टाइम पेयर्स में बनेगा। और 2004 में कितना है हमारा, 623, वही 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, और एक एक्स्ट्रा बनेगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 5 60 होता है, और इसका एक एक्स्ट्रा बन गया क्योंकि 23 था, एक एक्स्ट्रा। तो ये है आपका पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ पार्ट बी इज मोर इन्फॉर्मेटिव। कहते हैं इन्होंने क्वेश्चन भी दिया है कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव, तो आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी पार्ट जो हमने ये बनाया है, बी पार्ट इज मोर इन्फॉर्मेटिव। क्वेश्चन में से भी आप देख सकते हैं स्पेलिंग। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 9.2, जब तक कि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। सब बच्चों को क्लियर है बेटा, ओके।